बंद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना ताऊ के ते बंगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना ताऊ के ते बंगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना ताऊ के ते बंगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना जमाना पावे मारे बोलिया 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 दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना जमाना पावे मारे बोलिया जमाना पावे मारे जमाना पावे मारे बोलिया 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 दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना जमाना पावे मारे बोलिया 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 दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना जमाना पावे मारे बोलिया जमाना पावे मारे बोलिया जमाना पावे मारे बोलिया जमाना पावे मारे बोलिया पावे मारे बोलिया जमाना पावे मारे बोलिया जमाना पावे मारे बोलिया दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना जमाना पावे मारे बोलिया 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 दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम दा दीवाना दाऊद दे वांगू हमद करा मैं बन के तेरे नाम
दादवा दाऊद के बांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना जमाना पावे मारे बोलिया 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 दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना जमाना पावे मारे बोलिया 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 दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना जमाना पावे मारे बोलिया 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 जमाना पावे मारे दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना जमाना पावे मारे बोलिया 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 दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना जमाना पावे मारे बोलिया 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 दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना जमाना पावे मारे बोलिया जमाना पावे मारे बोलिया
जमाना पावे मारे बोलिया, जमाना पावे मारे बोलिया, जमाना पावे मारे बोलिया, जमाना पावे मारे बोलिया, जमाना पावे मारे बोलिया। दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना, दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना, दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना, दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना। जमाना पावे मारे बोलिया, 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 जमाना पावे मारे बोलिया। दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना, दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना, दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना, दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना। जमाना पावे मारे बोलिया, 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 जमाना पावे मारे बोलिया। दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना, दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना, दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना, दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना। जमाना पावे मारे बोलिया, 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 जमाना पावे मारे बोलिया। दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना, दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना, दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना, दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना। जमाना पावे मारे बोलिया, जमाना पावे मारे बोलिया, जमाना पावे मारे बोलिया, जमाना पावे मारे बोलिया, पावे मारे बोलिया, जमाना पावे मारे बोलिया, जमाना पावे मारे बोलिया। दाऊद देवांगू हम करा मैं बन के तेरे नाम का दीवाना, दाऊद देवांगू हम करा मैं। जीसस वी कम इनटू योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड विद अ हंबल हार्ट ओ जीसस, यस वी कम टू यू फादर, our blesser, our everything, Jesus. We surrender ourselves into your hands, oh Father, and we ask for your control over here, Jesus, over our lives, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We commit our ways to you, Father. Accept us, oh Lord. Take your control. Lead us in everything, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, bless you and keep you, make his face
shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Lord, bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you.
love offering to God. Thank you, Jesus. God, we thank you for your presence. परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. Thank you for the wonderful presence that we have out here in the Solution Ground, Jesus. Oh Father, we need you more each day. परमेश्वर, हमें आपकी हर दिन और भी ज्यादा जरूरत है. परमेश्वर, हमें आपकी आवश्यकता है. परमेश्वर, God, we cannot live without you. हम आपके बिना नहीं जी सकते. परमेश्वर, आप ही एक परमेश्वर हमारी जरूरत है. परमेश्वर, you are our only need, Jesus. आज सब जन अपने हाथों को उठा के बोले, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है. God, I need you. Raise up your hands and say, God, I need you. परमेश्वर, मुझे आपकी जरूरत है. More than words.
Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I will be by your side. Thank you, God. God, I need you more, Lord, more than yesterday. I need you more than words could say. Jesus, thank you, Lord. Lord, I need you, Lord. I need your presence, God. Thank you, God, for who you are. We exalt your name. We lift up your name, Lord. Thank you for the presence you have here. We need you more than ever before, Lord. We need your presence, Lord. We need you. Prepare us, prepare your people to receive what you have, Lord. अपने लोगों को तैयार कर परमेश्वर, वो ग्रहण करने के लिए जो तूने रखा है. We give you glory. हम आपको महिमा देते हैं. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. I welcome you all in the evening service. You can all be seated. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अंग्रेजी प्रार्थना सभा में. आप सब अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. God is good and His mercy endures forever. परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है. Matthew chapter 7 verse 1. मत्ती 7 का 1 till 5. सात का एक से पांच. दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा. तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा. हालेलुया. हालेलुया. Many of our people are like this today in the society. आज बहुत से लोग ऐसे हैं. Who see the speck in their brother's eyes but do not see the log in their own eye. जो दूसरों की आँख में तिनका देखते हैं पर उनको अपनी आँख का लट्ठा नहीं नजर आता. It is written, judge not that you be not judged. लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए. It is written, for with the judgment you pronounce, you will be judged by the God. जिस प्रकार तुम किसी पर दोष लगाए लगाते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुम पर भी दोष लगाया जाएगा. You see what the world is becoming like now. आज देखिए संसार कैसा बनता जा रहा है. What they are doing does not matter at all. What they are doing does not matter at all. जो संसार कर रहा है वो कुछ मायने नहीं रखता. But what other is doing is seen by all. जो दूसरा करता है वो सब देखते हैं. Is judged by all. वो हर एक जन के द्वारा नापा जाता है. Hallelujah. Hallelujah. In James we read that who is man that he should judge. याकूब में लिखा है कि मनुष्य है ही कौन जो वो न्याय करे. Hallelujah. Hallelujah. The word clearly says that we forget to look at the speck in our own eye and we are trying to pluck out the
speck in our brother's eye. वचन साफ बताता है कि हमें अपनी आंख का तिनका नहीं दिखता पर हम दूसरे भाई की आंख का लट्ठा निकालने पर लगे रहते हैं. Hallelujah. God is saying in this verse that instead of working on others' life, first start working on your own life. परमेश्वर हमें इस वचन से बता रहा है कि हमें दूसरों से पहले अपने जीवन पर काम करने की जरूरत है. Hallelujah. Hallelujah. Before instilling in others, first instill in your own selves. दूसरों को ठीक करने से पहले हमें अपने आप को ठीक करना है. Hallelujah. Hallelujah. We say he's not doing right. He's not living right. हम कहते हैं कि वो ठीक नहीं कर रहा, वो ठीक से नहीं जीवन व्यतीत कर रहा. Many of the times we are good guides, but we are not good practical workers. बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझाने वाले तो अच्छे होते हैं, पर हम करने वाले नहीं होते. Hallelujah. Hallelujah. We need to first work on ourselves. हमें पहले अपने आप पर काम करना है. The word says, if you need to love your enemies. वचन कहते हैं कि हम अपने दुश्मनों से भी हमें प्रेम रखना है. Hallelujah. Hallelujah. If there is somebody who has done wrong to you, you need to forgive him and bless him. अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो आपको उसे माफ करना है और उसे आशीष देनी है. Hallelujah. Hallelujah. I'm not saying this, the word of God says this. ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन है. This is the gospel and this is how Jesus lived. ये वो सुसमाचार है और ये वो बता रहा है कि यीशु ने कैसे जीवन जिया. Hallelujah. Hallelujah. You can only increase further when you start forgiving. आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप पिछला माफ करेंगे. Hallelujah. Mark 11 says, if you are coming into the presence of God. Markus 11 में लिखा है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं. If you are praying to God. अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं. If there is anything that is in your heart against your brother. और अगर आपके हृदय में कुछ भी आपके भाई के विरुद्ध है. First go and settle it. पहले उसे जाकर ठीक करें. Then come for prayer. उसके बाद प्रार्थना कीजिए. Hallelujah. Hallelujah. Such a great word. He's saying, God is saying, first go and settle it with your brother, then come to me. कितना महान वचन है कि परमेश्वर कह रहा है पहले जाके अपने भाई से सुलह कर उसके बाद प्रार्थना करने आना. I do not need you if we are not right. मुझे in right standing with your brother or your sister. मुझे तेरी नहीं है जरूरत अगर तू अपने भाई के ही विरुद्ध अपने मन में कुछ रखकर बैठा है. Unforgiveness is a barrier to your prayers. ना माफ करना एक बैरियर है आपकी प्रार्थनाओं में. Hallelujah. रुकावट है आपकी प्रार्थनाओं में. We don't judge, we forgive. हमें न्याय नहीं करना, हमें माफ करना है. We increase when we forgive. हम आगे बढ़ते हैं जब हम माफ करते हैं. You see, in this world, nobody is perfect. इस दुनिया में कोई भी सिद्ध नहीं. All are working to become perfect, but nobody is perfect. हर एक जन कोशिश कर रहा है कि वो सिद्ध बने पर अभी तक कोई भी सिद्ध नहीं. And that is the real truth. और यही सच है. Hallelujah. Hallelujah. Many of the times in our lives, somebody is not working according to us. We start judging and start backbiting about the position. बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कोई व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चलता और हम उसके विरुद्ध में बातें करने लग जाते हैं. You see, instead of managing with the person, we start rumoring wrong about the person. We start rumoring wrong. हम ना कि उससे सलाह करने के बजाय हम उसके विषय में अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं. You instead of talking to the person, you behind his back, you talk to other people about his wrong. उससे बात करने की जगह आप उसके बारे में गलत बात करते हैं दूसरे लोगों से. You judge him in front of others. आप उसका न्याय करते हैं दूसरे लोगों के सामने. There is a problem. ये एक problem है. The word of God says, "What you sow, you will reap." जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे. Hallelujah. Hallelujah. If you're doing it, there is somebody who is doing it for you. यदि आप ये चीज कर रहे हैं तो कोई और भी आपके लिए ये सेम चीज कर रहा है.
Hallelujah. Hallelujah. The word of God clearly says, judge not that you be not judged. वचन साफ साफ कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी ना लगाया जाए. You need to work on the betterment of the person. आपको काम करना है उस व्यक्ति के ऊपर. Hallelujah. You need to forgive and pray for the person. आपको माफ करना है इस व्यक्ति को और उसके लिए प्रार्थना करनी है. You see, a person is never bad. देखिए एक व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता. His habits are bad. उसकी आदतें बुरी होती हैं. Once the bad habits are taken away, the same person is good. जैसे ही उसकी बुरी आदतें निकल जाती हैं, वो व्यक्ति अच्छा हो जाता है. You see, we have seen so many persons, so many testimonies we have heard in the church how God completely changed people's lives. हमने कितनी गवाहियां कलीसिया में सुनी कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवनों को बदला. Mothers, parents come out here. Our son is a drunkard. He knows nothing. He does no work. We are really sick of him. काफी लोग आते हैं ऐसा कहते हैं कि मेरा बेटा मेरे बच्चे शराब पीते हैं और उन्हें कुछ नहीं पता वो पूरा दिन कुछ नहीं करते. And we are really tired of the push, tired of our son. और हम थक चुके हैं उनके जीवन से. Similarly, prayer is done. He is delivered. He is free. No drinking. He is going on his work. The same person, totally changed. और जैसे ही उसके लिए प्रार्थना होती है, वो छुटकारा पाता है, उसका पीना छूट जाता है, वो अपने काम में लगा रहता है, वो व्यस्त होता है, उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित. Hallelujah. Hallelujah. You see, it means the person was good. इसका मतलब वो इंसान अच्छा था. Only the habits were bad. उसकी आदतें बुरी थी. So we judge not the person. तो हम उस व्यक्ति का न्याय ना करें. But we pray that let his originality come. पर हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसके जीवन को परिवर्तित करे. Hallelujah. Let his original being come into form. What he was original, how God had made him. जैसे वो असल में परमेश्वर ने उसे बनाया था. Let him become that. उसे वो बनने दें. God had not made him a drunkard. परमेश्वर ने उसे नहीं बनाया था एक पियक्कड़. God had made him a perfect being. परमेश्वर उसे एक सिद्ध मनुष्य. We need to pray God what you had made him, you make him that. आपको प्रार्थना करने की परमेश्वर आप इसे वो बनाए जो आपने इसे बनाया. The word of God says, whatever God made, He made it good. वचन में लिखा है कि जो भी कुछ परमेश्वर ने बनाया, वो उसने भला ही बनाया. Hallelujah. Hallelujah. You see, you take out Genesis 1. निकालेंगे उत्पत्ति एक. Verse 10. परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. Read. फिर verse 12. इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदाई वृक्ष जिनका बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. 17 and 18. परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाली को अंधकार से अलग करें और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. It is good. 21. इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं जिनसे जल बहुत ही भर गया और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. अच्छा है. 25. 25 पढ़ेंगे. इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. Hallelujah. Hallelujah. You see, after everything God had created, He said it is good. हर वो चीज जो परमेश्वर ने बनाई उसके बाद उसने कहा कि अच्छा है. So means whatever was created by God, it was good. इसका मतलब है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने रचा वो अच्छा है. Whatever is created by God, it is good. जो कुछ भी परमेश्वर ने रचा वो अच्छा है.
Hallelujah. Hallelujah. The fruit of the womb is fruitful from God. गर्भ का फल प्रतिफल है यहोवा की ओर से. And if it is fruitful from God, it is good. और अगर वो प्रतिफल है यहोवा की ओर से तो वो अच्छा है. Hallelujah. Hallelujah. A person who is born, he is good. जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो अच्छा है. He is good, but sometimes the habits are bad. वो व्यक्ति अच्छा है पर कभी-कभी उसकी आदतें बुरी होती हैं. So we do not hate the person or we do not judge the person. तो हमें उस व्यक्ति का न्याय नहीं करना, उससे नफरत नहीं करनी. We need to pray. हमें उसके लिए प्रार्थना करनी. That he comes into his originality. कि वो अपने असल रूप में आए जो परमेश्वर ने उसे रचा था. Hallelujah. Hallelujah. Judge not that you be not judged. दोष मत लगाएं कि आप पर भी ना लगाया जाए. For whatever God made, he made it good. क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो अच्छा है. Hallelujah. Hallelujah. We know about the we'll take out the verse. John 8. हम निकालेंगे. About the woman who was caught in adultery from verse 1. John chapter 8 verse 1. यूहन्ना 1 के 1 में पढ़ेंगे. परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया. भोर को वह फिर मंदिर में आया. सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा. तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है. व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए. परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा. दोष लगाने के लिए है ना. See out here to judge them, they find nothing. उन्होंने उस पर दोष लगाना चाहा कि ताकि वो कोई बात पाए उसके विरुद्ध. That is what people do nowadays. और ऐसा ही लोग करते हैं आजकल. Read it ahead. जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे. और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा. परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई. यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हालेलुया. You see that lady, that Pharisees and that Sadducees, they had got that lady to Jesus. वो स्त्री जिसको शास्त्री और फरीसी यीशु के पास लेकर आए थे. And they said to the master that this lady has been caught in adultery and according to the law of Moses, she should be stoned to death. उन्होंने कहा यीशु को कि ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस पर पथराव किया जाए. You see, they were becoming judges. They were judging. वो सदूकी और जो फरीसी थे वो न्याय करना शुरू कर रहे थे. And we know, we have all heard when Jesus began writing down. और हमने सुना अभी कि यीशु ने अपनी उंगली से भूमि पर लिखना शुरू किया. What we know, he was writing all the sins in the world. और वो लिख रहा था नीचे संसार के सारे पापों को. And all were seeing one by one. और सब जन एक एक करके देख रहे थे. From elders to the children, all had लेकर छोटों तक सब all had gone. Jesus said, the first person who has not sinned be the one to throw the stone. यीशु ने कहा जिस जो व्यक्ति निष्पाप है पहले वो पत्थर मारे. But we see there was no one. When Jesus had written, all had departed the place. हमने देखा कि कोई एक भी नहीं बचा. जब यीशु ने अपने उसके सबके पापों को लिखना शुरू किया तो वहां पर एक भी खड़ा ना रह पाया. Hallelujah. Hallelujah. They were trying to see the speck in the lady with adultery. वो दूसरे की आंख का तिनका देख रहे थे. But they forgot to look the log that was in their own eye. पर वो भूल गए अपनी आंख का लट्ठा देखना. Many of our times we start seeing the speck.
काफी बार हम दूसरे की आंख का तिनका देखने लग जाते हैं. The speck becomes so big that our log is not seen. और वो तिनका इतना बड़ा हो जाता है कि हमें अपना लट्ठा ही नहीं दिखता. Sometimes we need to take out time and look at the mirror of world and locate our own log. कभी-कभी हमें समय निकालना है और इस वचन के शीशे को देखना है ताकि हमें पता चले कि हमारा तिनका कहाँ है. Our log. हमारा लट्ठा कहाँ है? Hallelujah. Hallelujah. You know what a log is, huh? आप जानते हैं लट्ठा क्या होता है? The big log of the tree. जैसे एक पेड़ का निचला हिस्सा होता है लकड़ का. Hallelujah. Hallelujah. As we see in the mirror and clean our physical places. जैसे हम शीशे में देखते हैं और अपनी शारीरिक चीजों को. We clean up our marks. हम बाहरी रूप को अपने साफ करते हैं. So that we look good outside. ताकि हम अच्छे लगें. Similarly, we need to work and remove the logs that are in our lives. वैसे ही हमें देखना है और अपने जीवन में से उन लट्ठों को हटाना है. If everybody started working on their own logs, on their own specs, how better the world would be. अगर हर एक व्यक्ति अपने लट्ठों पर काम करना शुरू कर दे तो संसार कितना सुंदर हो जाए. Hallelujah. Hallelujah. If everybody starts working on their own selves, but least the person is working on himself and more he's working on others. आजकल लोग क्या करते हैं कि वो अपने ऊपर कम काम करते हैं और दूसरों पर ज्यादा काम करते हैं. The work of judging, not the right work. न्याय करना हमारा काम नहीं. I'm saying the work they do is not real work. जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है. Judging work. जो वो न्याय करने का काम कर रहे हैं वो उनके लिए सही नहीं है. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, if any of you has not sinned, be the first one to throw the stone. यीशु ने कहा तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उस पे पत्थर मारे. Hallelujah. Hallelujah. You see, God, the word of God says, we are not judges. God is the one who is going to judge. वचन कहता है कि हम न्यायी नहीं है, परमेश्वर न्यायी है. And your duty is to play your part. और हमारी जिम्मेदारी है हमें अपना भाग निभाना है. It's not to judge, it is to forgive. हमें न्यायी नहीं करना, हमें माफ करना है. Hallelujah. 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 The word of God says, forgive as I have forgiven you. वचन में लिखा है कि तू माफ कर जैसे मैंने तुझे माफ किया. If you don't forgive, you will also not be forgiven. अगर आपने माफ नहीं किया तो आप माफ भी नहीं किए जाएंगे. We all know about the story of a person who owed a great debt to a king. हमने सुना है कि उस व्यक्ति के बारे में जिसने एक राजा का कर्जा देना था. In the word of God, we hear about this. वचन में हम सुनते हैं इस विषय में. And you see that person went to the king. He begged to the king, King. और वचन में लिखा है कि वो व्यक्ति जाता है राजा के पास. I have nothing. Please do something. और वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है. I have no money to clear my debt. मेरे पास कुछ पैसे नहीं है तुझे लौटाने के लिए. What should I do? अब मैं क्या करूं? You see the king looking at the person he pitied. जब उस राजा ने उस व्यक्ति पे देखा तो उसको तरस आया. He said he has nothing and he had compassion. He said it's okay. उसने देखा उसकी ओर, उसे तरस आया और उसने कहा कोई बात नहीं. Leave everything. I forgive all that you owe to me. मैंने तुझे माफ किया. जो कुछ भी तूने मेरा देना था मैंने तेरा माफ किया. Everything you owe to me, I forgive it. जो कुछ भी तूने मेरा देना था मैंने तुझे माफ किया. You no longer have to give me. अब आपको देने की जरूरत नहीं है. Stay joyful and go away. आनंद मनाए. And go away. And you see the same person when he went outside. और वो सेम व्यक्ति जब वो बाहर गया. There was a large debt that he owed to the king. और सच में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था, वो कर्जा था जो उसने राजा का देना था. But the king freed him from all. पर उस राजा ने सब माफ किया. And the same person when he went outside. और जब वो व्यक्ति बाहर गया. There was another person. और एक और व्यक्ति वहाँ था. Junior to him.
उससे छोटा. And there was a little debt that the junior person owed to the person who. और उस व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति का एक कम कर्जा देना था, एक छोटा अमाउंट देना था. And the same person, he came to him. और वो व्यक्ति उसके with the same thing, with the same crying, and he said, "I have nothing. If you could do something." और उस व्यक्ति ने भी उससे कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? And the same person, the word of God says, he got angry and he punished him, he hit him, he beat him, and whatever he had, he snatched it away. वचन में लिखा है कि उस व्यक्ति ने उसका कर्जा ना माफ करके उसे सजा दी. He snatched everything and he beat him and he was bleeding and there was a worse condition that was done of him. और उसने उसका सब कुछ छीन लिया, उसे मारा और उसकी हालत बदतर हो गई. You see, here the king had delivered him, freed him from all. यहाँ राजा ने उसका इतना बड़ा कर्जा माफ किया. And a little debt, when it was his turn to forgive. और जब उसकी बारी आई वो छोटा कर्जा माफ करने की. He snatched it away. उसने उस सब कुछ छीन लिया जो उस व्यक्ति के पास. You see, the word of God says, when the king came to know about this incident. जब वचन में लिखा है कि जब राजा को पता चला इस घटना के बारे में. He called the person. उसने व्यक्ति को बुलाया. He said, "How much did I forgive your debt?" कि मैंने आपका कितना कर्जा माफ किया? He said, "You did it a lot." व्यक्ति ने कहा कि आपने बहुत सारा कर्जा माफ किया था. The king asked, "How much was the debt the person owed to you?" राजा ने उससे पूछा कि कितना कर्जा उस व्यक्ति ने तेरा देना था? He said, "Very little." उसने कहा कि बहुत ही थोड़ा. He said, "If I could forgive you the larger part, who are you that you judge him for the younger part, for the smaller part?" कहा व्यक्ति से कि अगर मैं तेरा इतना बड़ा कर्जा माफ कर सकता हूं तो तूने उसका छोटा कर्जा क्यों माफ नहीं किया? Bible says the king was angry at the person. वचन में लिखा है कि वो राजा उस व्यक्ति पर गुस्सा. He immediately told the soldiers, bind him, chain him up, and throw him into the prison. और उसने अपने सेनापति से कहा कि उस व्यक्ति को इसी समय संगलों में. And he was thrown away into darkness and he spent his life there. और उसे अंधकार में डाल दिया गया पूरे जीवन के लिए. We are forgiven of such a great debt from God. परमेश्वर ने हमारा सच में बहुत ही बड़ा कर्जा माफ किया. Hallelujah. Hallelujah. The death of Jesus on the cross was not a little debt. वो मृत्यु जो यीशु क्रूस पर थी वो एक छोटी घटना नहीं थी. It was a great debt that was cleared on behalf of us. वो सच में एक बहुत ही बड़ा कर्जा था जो हमारे बिहाफ पर चुकाया गया. Hallelujah. All our sins, whatever we did, whatever our generations did. जो भी पाप हमने किए, हमारी पीढ़ियों ने किए. Everything was forgiven. सब कुछ माफ कर दिया गया. Hallelujah. Hallelujah. You see, we owe, our thing that was cleared was a great debt. What was cleared from our side was a great debt. जो हमारी ओर से चुकाया गया वो सच में एक बहुत ही बड़ा कर्जा था. You see, we held our sins as well as our generations that were before us. हमारे पाप भी और हमारी पीढ़ियों के पाप भी माफ किए गए. We held greater sins. हमारे पास हमारे और हमारी पीढ़ियों के सबके बहुत ज्यादा पाप थे. Hallelujah. You see, if a grandfather takes the loan, he is unable to pay it, the son has to pay it. अगर दादा एक लोन लेता है और अगर उससे वो नहीं चुकाया जाता तो उसके बेटे को उसे चुकाना पड़ता है. And you see, the son is unable to pay it, the grandson has to pay it. और अगर वो बेटा भी नहीं कर पाता तो उसके पोते को चुकाना पड़ता है. And now with a greater interest, because time has passed a lot. With a greater interest now the grandson has to pay because time has passed. और उसे और ज्यादा उसे चुकाना पड़ता है. With a greater amount. और ज्यादा मूल के साथ. And if he does not pay it, greater grandson. और अगर उससे भी नहीं चुकाया जाए तो उसके आगे वाली पीढ़ी. And that also with a greater amount, greater interest. वो भी और भी ज्यादा मूल के साथ. And if not, other generations that are coming. और अगर फिर भी नहीं चुकाया जाता तो अगली पीढ़ी.
Hallelujah. So we held our part and we also held the part of the generations before us. तो हमारे पास हमारा पाप तो था ही पर पिछली सारी पीढ़ियों का भी. So you can know of the greater deal, of the greater part that was forgiven of us by God. तो आप देखें कि कितना बड़ा पाप पर कितने हमारी पीढ़ियों के पाप परमेश्वर ने माफ किए. Hallelujah. Hallelujah. So how much debt was cleared by God for us. कितना कर्जा परमेश्वर ने हमारा माफ किया. Hallelujah. If King has done so much and we, after taking forgiveness, are unable to forgive our neighbor. अगर राजा की माफी लेने के बाद भी हम एक छोटा सा आगे कर्जा माफ नहीं कर पाते. If you cannot forgive a wrong done by our neighbor. और किसी दूसरी किसी पड़ोसी का बुरा किया हुआ हम माफ नहीं कर पाते. You know what is going to happen by the king. तो आप जानते हैं कि क्या होगा जब राजा राजा के द्वारा. When we will be called by king, you can imagine. जब हम राजा राजा लाएगा तो क्या होगा. Hallelujah. Hallelujah. The king said, if I have forgiven such a greater part, who are you that you cannot forgive little? राजा ने कहा जब मैंने तेरा इतना बड़ा भाग माफ किया तो तू कौन है जिसने एक छोटा सा भाग भी माफ नहीं किया. Hallelujah. Hallelujah. Our greater debt was cleared. हमारा एक बड़ा कर्ज. Hence we owe to the king. If our greater part was cleared, we need to forgive others. इसलिए अगर हमारा बड़ा कर्जा चुकाया गया है किसी के द्वारा तो हमें भी किसी का माफ करना है. If we were forgiven by God, it is our duty to forgive others. अगर हम परमेश्वर के द्वारा माफ किए गए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी माफ करें. If we were loved by God, it is our duty to love others. अगर हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी आगे प्रेम करें. If we were shown compassion by God, it is our duty that we show compassion to others. अगर हमें परमेश्वर के द्वारा तरस दिखाया गया तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी तरस खाएं. God says, become like I am. परमेश्वर ने कहा वैसे बनो जैसे मैं हूँ. Hallelujah. Hallelujah. We need to forgive. हमें माफ करना है. For that is not an option, that is a command of God. क्योंकि ये कोई चॉइस नहीं, ये एक आज्ञा है परमेश्वर की. Hallelujah. Many of the people are not increasing in their life, are not reaching to the places where they should reach. It is because of unforgiveness. बहुत से लोग उस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे जहां उन्हें आज होना चाहिए क्योंकि उन्होंने कुछ माफ नहीं किया. Hallelujah. Hallelujah. You see, it does not matter how great the wrong was. मायने नहीं रखता कि कितना बड़ा पाप था. We need to forgive. हमें माफ करना है. Some of the people, they are like, okay, Pastor, we can forgive this, but not this one. Anyhow, not this one. कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये माफ कर सकता हूँ, ये माफ कर सकता हूँ, पर ये तो बिल्कुल नहीं माफ कर सकता. You do not know what he has done to me. आप नहीं जानते कि उसने मेरे साथ क्या किया. You do not know what he has done to my parents. आप नहीं जानते कि उसने मेरे माँबाप के साथ क्या किया. You do not know what he has done with my job. आप नहीं जानते कि उसने मेरे काम. You do not know the situation I am in. It's because of him. आप नहीं जानते कि जिस परिस्थिति में आज मैं हूँ, मैं इसी की वजह से हूँ. I do not know. मैं कुछ नहीं जानता. But one thing I know. पर मैं जानता हूँ. But one thing I know. पर मैं एक चीज जानता हूँ. That the debt he owes to you. The debt he owes to you. जो कर्जा उसने आपका देना है. Is very little, very less than the greater that you had owed to God. वो बहुत ही कम है उसके सामने जो यीशु ने आपका माफ किया है. And if the greater was forgiven, और अगर वो बड़ा कर्जा माफ कर दिया गया है, it is your responsibility that you forgive that part. तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो छोटा माफ करें. Hallelujah. Hallelujah. One thing I know, it is nothing in front of what God had forgiven of yours. मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर ने हमारा माफ किया है उसके सामने वो कुछ भी नहीं है. I do not know what you say. It is a lot. It is done. Very words. Anything. It is nothing in front of what God has done. मैं नहीं जानता कि आप क्या कहते हैं. वो कितना बड़ा था. वो कितना बड़ा पाप था. पर मैं इतना जानता हूँ कि वो यीशु के प्रेम के आगे तो छोटा था. Just remember, if Jesus had done it on the cross, it is your responsibility to do it.
what you have been given. अगर यीशु ने क्रूस पर वो कर चुकाया तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी आगे छोटे कर्जों को माफ करें. Hallelujah. Hallelujah. James chapter 4, last verse we will be reading. Chapter 4, verse 11. याकूब 4 का 11. हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो. जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है. और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा. व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है. पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? Hallelujah. Hallelujah. The one who speaks against a brother or judges his brother for the wrong he has done speaks evil against the law and judges the law. जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, व्यवस्था की बदनामी करता है, व्यवस्था पर दोष लगाता है. Law is the word of God. व्यवस्था है परमेश्वर का वचन. If you are judging your brother, the word of God says you are judging the word. अगर आप अपने भाई का न्याय कर रहे हैं तो आप इस वचन का न्याय कर रहे हैं. You are speaking against the law. तो आप व्यवस्था के विरुद्ध में बोल रहे हैं. Hallelujah. Hallelujah. Speaking against the brother, speaking against the word. अपने भाई के विरुद्ध बोलना मतलब वचन के विरुद्ध बोलना. You need to be careful. आपको ध्यान रखना है. Many of you are not increasing because of unforgiveness. काफी लोग बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वो माफ नहीं कर पाते. The word of God says there is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. वचन कहता है कि व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने में समर्थ है. It is God who is the real judge. वो परमेश्वर है जो सच्चा न्यायी है. Who has the authority to save and the authority to destroy. जिसके पास अधिकार है बचाने का और नाश करने का. So let the judge do the judging part. तो उस न्यायी को ही न्याय करने दें. Hallelujah. You are called to forgive. आप बुलाए गए हैं माफ करने के लिए. But who are you to judge your neighbor? आप कौन है कि अपने पड़ोसी पर दोष लगाएं? You are called to forgive. आप बुलाए गए हैं माफ करने के लिए. हालेलुया. हालेलुया. You need to forgive. आपको माफ करना है. It is sometimes very hard. बहुत बार बहुत मुश्किल होता है. God, I'm unable. परमेश्वर मैं नहीं कर सकता. But you see, it is hard, but it is not impossible. मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं. By the power of God and by the Spirit of God. पर परमेश्वर की सामर्थ और उसकी आत्मा के द्वारा असंभव. You can do it. आप कर सकते हैं. You can forgive. आप माफ कर सकते हैं. You can move further. आप आगे बढ़ सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Close your eyes, everybody. अपनी आंखों को बंद करें सब जन. Meditate on the word for 1 minute. वचन पर मनन करें एक मिनट के लिए. Take this time. इस समय को लें. And I want, if there is anything or any person against whom you have bitterness or unforgiveness kept in your heart. और मैं चाहता हूँ कि इस समय अगर आपके हृदय में किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ कड़वाहट है या तो आप ये समय लें. Forgive him with your heart. उसे अपने दिल से माफ करें. You can take his name and God, I forgive. आप उसका नाम ले और बोले परमेश्वर मैं से माफ. God, it does not matter what he wrong and what worse he has done in my life. परमेश्वर नहीं मायने रखता कि उसने मेरे जीवन में अब क्या किया. It does not matter what wrong he has done to my family. नहीं मायने रखता कि उसने मेरे परिवार. It does not matter what wrong he has done to my career. नहीं मायने रखता कि परमेश्वर उसने मेरे. It does not matter what wrong he has sown for my future. नहीं मायने रखता परमेश्वर कि उसने मेरे भविष्य के साथ क्या किया. God, as your word says me to forgive. By the declaration of your word, I will forgive. मैं माफ करूंगा परमेश्वर. You want me to forgive, God? I will forgive. परमेश्वर आप चाहते हैं मैं माफ करूं, मैं माफ करूंगा.
I will forgive, Lord. मैं माफ करूंगा परमेश्वर. I will fulfill your will, Lord. मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा. I will not keep any grudge against my brother. मैं अपने हृदय में कोई कड़वाहट against my sister नहीं रखूंगा, किसी बहन के प्रति नहीं रखूंगा. I will forgive. मैं माफ करूंगा. I will not look at the speck that is in my brother's eye. मैं अपने भाई की आंख का तिनका नहीं देखूंगा. But I will work to take out the log from my own eye. पर मैं काम करूंगा अपने ऊपर की अपनी आंख का लट्ठा निकालूं. God, I will not like the people who judged the woman with adultery. परमेश्वर मैं वैसा नहीं बनूंगा जैसे उन लोगों ने परमेश्वर उस स्त्री को. And as you said, the first person. Let the first person throw the stone who has not sinned at all. जो कोई निष्पाप है पहले वो पत्थर मारे. And there was no one left, God, Jesus except you. और परमेश्वर वहाँ कोई भी नहीं था यीशु के अलावा. God, let your grace work in my life. परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में काम करे. Only you are the real judge, Lord. परमेश्वर आप ही सच्चे न्यायी हैं. You are the one who judges. परमेश्वर आप ही. I'm not going to judge anybody, Lord. मैं किसी का न्याय नहीं. I'm going to forgive. मैं माफ करूंगा. I'm going to forgive. मैं माफ करूंगा. I'm going to forgive. मैं माफ करूंगा. Lord, if there's any unforgiveness, if there is any bitterness, Lord, take it out from my heart. परमेश्वर कोई भी कड़वाहट चलन परमेश्वर जो मेरे अंदर है उसे बाहर निकाल दे परमेश्वर. Anything against my neighbor, Lord, that is not letting me increase. Take it away from my heart, Lord. परमेश्वर जो मेरे पड़ोसी के विरुद्ध मेरे हृदय में है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है परमेश्वर वो मेरे जीवन से निकाल दे. Let me become the one who loves his enemies. परमेश्वर मुझे वो बना जो अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखता हो. Blesses the enemy. जो अपने दुश्मन को भी आशीष. I bless my enemy. परमेश्वर मैं अपने दुश्मन को भी आशीष देता हूं. I pray for the bright future of my enemies. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं उसके अच्छे भविष्य के लिए. I bless those who are persecuting me. परमेश्वर मैं उन्हें आशीषित करता हूं परमेश्वर जो मुझे सताते हैं. I bless those who speak all kinds of things against me. परमेश्वर मैं उन्हें आशीष देता हूं जो मेरे विरुद्ध बातें करते हैं. I bless them. मैं उन्हें आशीष देता हूं. Who make plans to destroy my future. जो मेरे भविष्य के विरुद्ध जो मेरे भविष्य को नाश करने के लिए योजनाएं बनाते हैं. I bless them, Lord. परमेश्वर मैं उन्हें आशीष देता हूं. I bless them. मैं उन्हें आशीष. I hold no grudge against anyone. परमेश्वर मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं किसी के प्रति. But I forgive all my enemies as your word says to forgive. परमेश्वर मैं अपने हर एक दुश्मन को माफ करता हूं जैसे आपका वचन कहता है. I forgive. मैं माफ करता हूं परमेश्वर. I forgive. मैं माफ करता हूं. I forgive. मैं माफ करता हूं. Laba kalamashi. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you God. In Jesus name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. 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 Hallelujah. Make this a daily prayer. ये अपनी रोज की प्रार्थना बनाएं. Forgiving all. सबको माफ करना. As I said, the greater part has of ours has been forgiven. वो बड़ा भाग, वो बड़ा कर्जा जो हमारा था, वो माफ कर दिया गया है. We need to forgive those little chunks of ours. वो हमें अपने छोटे कर्जों को माफ करना है. Hallelujah. Hallelujah. How many of you got the word today? कितने लोगों को वचन छुआ? Hallelujah. God bless you all. This is the time we'll be sowing our seeds. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. ये समय हम अपने बीजों को बोएंगे. Your tithe, your offerings, your gifts, your special seed for the kingdom online here. आपकी दशमांश, आपकी भेंटे, आप ऑनलाइन भी अगर देख रहे हैं. You can hold it in your hands. अपनी भेंटों को अपने हाथों में पकड़ें. mm-hmm.
Malachi chapter 3 verse 10. Malachi 3 ka 10. Read it. सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। It is the word of God that tells us to sow into the kingdom. The word of God tells us to sow. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के भवन में बीज को बोना है अपने। Hallelujah. Hallelujah. It is the will of God for us to sow and reap and increase. ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम बीज को बोएं और फलवंत हों। Close your eyes, everybody. अपनी आँखों को खोलें। Hold your seed into your hands. अपने बीजों को अपने हाथों में लें। Pray for the seed, God. I have nothing, Lord. What you gave me, I return it to you, Lord. Receive this seed, Lord. I seal this seed in the blood of Jesus. Let the grace of sowing increase on my life. Let me always increase in the works of God. Bless this seed, Lord. In Jesus' name. Amen. You can sow your seeds. Thank you. अपने बीजों को बो सकते हैं। Online also you have your details. You can sow. जितने जन online देख रहे हैं, वो भी अपने बीजों को बो सकते हैं। The details can show for the kingdom. जितनी भी details हैं वो आपके screen पर दिखाई जा रही हैं। We'll worship for the last prayer. हम सब खड़े हो जाएंगे। Thank you.
time. More than the air I breathe now. More than the song I sing. More than the next time. More than anything. And as the time goes by, I will be by your side. करो जितने भी लोग प्रेयर के लिए आगे आना चाहते हैं आगे ले आओ जिन्हें जो भी बीमार हैं और जो प्रेयर के लिए आगे आना चाहते हैं सिर्फ वही लोग आगे लाइंस बनवा लो प्रेयर करेंगे जितने भी बीमार हैं और जिन जो प्रेयर्स के लिए आगे आना चाहते हैं वर्शिप करो than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you more. Need you now more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the air I breathe, more than the song I sing. धन्यवाद करते परमेश्वर का सब जन सब तारीफ करते हो परमेश्वर की प्रभु मैं आया हूँ आपके चरणों में परमेश्वर तारीफ करे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जिसकी सामर्थ पूरे संसार में बह रही है धन्यवाद करें उस महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको छुड़ाया उस महान परमेश्वर की स्तुति करें धन्यवाद करें इस समय खुदावंद मैं तेरी हजूरी में आया हूँ परमेश्वर खुदावंद प्रभु तेरी हजूरी मुझे आजाद करे आज खुदावंद प्रभु तेरी प्रेजेंस मुझे आजाद करे परमेश्वर प्रभु खुदावंद मैं जानता हूँ ना तो बल से ना सामर्थ से परमेश्वर प्रभु लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा
आज परमेश्वर मैं हर जुए से आजाद हो जाऊंगा प्रभु जी, ओ खुदाबंद इस अभिषेक के द्वारा प्रभु आज मैं चंगा हो जाऊंगा परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करें इस समय हर एक जन प्रार्थना में जाए, रीबे खेले बेशिखा रबा खारा मासो रबा खारा मासे खेरे बेशिखी रिया बाखाला मासे रबा खाला मासो कोरे बेसे। अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हुए प्रभु मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर खुदा, मेरे अंदर खुदावन परमेश्वर, मेरे मन प्राण आत्मा शरीर में प्रभु इसी समय परमेश्वर खुदा तू मुझे छुड़ा खुदावन प्रभु, और प्रभु जो बातें तेरी ओर से नहीं है वो मेरे जीवन से जाती रहें यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ खुदावन मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु तुझे, अपने शरीर को अपने प्राण अपनी आत्मा को मैं पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। रीबा खरा बसे केरे बेसे प्रे करो प्रे करो प्रे करो, सब जन प्रार्थना करो। खुदा की सामर्थ्य इस जगह पर है, परमेश्वर का आत्मा इस जगह पे, और बाइबल कहती है जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वह आजादी है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। हालेलुया। ओ रीमा मामा मारे रेबे खेले में शिखर रबा खरा मासे, सब जन पवित्र आत्मा से भरते हुए, पवित्र आत्मा से भरते हुए रीमो खो रबा से खेले में शिखर रबा से रबा खला मासो को रेबे से। प्रभु ने कहा मैं अपना वचन भेजकर तुम जिस गड्ढे में पड़े हो उस गड्ढे से निकालूंगा। हाँ परमेश्वर आज अपना वचन भेज के खुद अपने लोगों को चंगा कर प्रभु, अपना वचन भेज के परमेश्वर इनकी सुधि ले प्रभु। ओ रीमा खरा बासे प्रे करो हाथों को उठा के अपने परिवारों के लिए अपने जीवन के लिए प्रार्थना करो इस समय। ओ री मामा मारे खेले बेशी खराबा से ओ री बे खेरे बेसे खेरे बेसे प्रे करो परमेश्वर का धन्यवाद करो इस समय। सब जन परमेश्वर का अपने हाथों को उठा के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जिसने आपको बनाया है धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर प्रभु, खुदा तू है प्रभु जो पापियों को माफ करता है प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करने वाले पिता धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। आज प्रभु के चरणों में आए और अगर जाने अनजाने हमसे कोई भी पाप गुना गलती हुई है हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर की दया को मांगे ताकि वो अपनी दया के द्वारा हमें छुड़ाए हमें बचाए। रीमा खरा बासे रेबे खेले में शिखरा बासे। प्रभु कहता है यदि कोई मेरे पास आए और अपने गुनाह को मान ले तो मैं उसे माफ करने में विश्वासयोग्य और धर्मी हूँ। इस समय हर जन परमेश्वर के पास आए दीन होके, उसका वायदा है वो दीनों पे अनुग्रह करता है। घमंड से भरी हुई आंखें जिनको यहोवा नीचा करता है और दीन मन जिस पे प्रभु अनुग्रह करता है। प्रभु मुझे दीन मन दे, मुझे नम्र मन दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा एक एक जन को परमेश्वर जो आज अपने बोझ लेके इस जगह पर आया है प्रभु तू अपने विश्राम दे प्रभु, तू अपना विश्राम दे प्रभु। ओ खुदा तेरा आत्मा इन्हें छुड़ाए, होली स्पिरिट तेरे दूत इन्हें छुए, तेरे दूत इन्हें छुए परमेश्वर, तेरे दूत इन्हें छुए प्रभु। जितने लोग दुष्ट के बंधनों में है प्रभु आज आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। शैतान का प्लान इनके जीवन से मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ओ रीबा खरा मासे प्रभु छूले, छूले प्रभु एक एक जन को परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए प्रभु और छुड़ाए। रीबा खरा मासो खोरे पे प्रे करो, प्रे करो इस समय परमेश्वर की आत्मा को पुकारो, इस समय यीशु के नाम से पिता को पुकारो, यीशु के नाम से पिता को पुकारो। रीमा खरा बासो खोरे बे से टच होली स्पिरिट Thank you.
प्रभु ब्लेस कर, हर बीमारी इन्हें छोड़ के जाए इन द नेम ऑफ जीसस। In the mighty name of Jesus. Pray करो, pray करो, pray करो, pray करो इस समय। Worship करो। Oh, Rabba, Rabba, seke, Rebe se. The name of Jesus. Touch Holy Spirit. मैं कमांड करती हूँ इस समय, माइंड अचानक यीशु के सामर्थ्य नाम से रीमा खराब से आत्मा से भर जाओ, अन्य भाषाओं को बोलना शुरू करो। रीमा खरा बसे केले बेसे रीबे केले बेशी किरिया बसे यीशु के नाम से, हर वो गेट जहां से दुष्ट की एंट्री हुई है बंद हो यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अप, हर डेविल का अटैक अप इन द नेम ऑफ जीसस। हीलिंग इसी समय परमेश्वर की चंगाई in the name of Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Pray karo, pray karo, pray karo. परमेश्वर छू रहा है, परमेश्वर की सामर्थ छू रही है आपसे। ओ रीमा खराबासे रीबा खराबासे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
घूम रहा है, पवित्र आत्मा का चलन इस जगह पर है, आज होली स्पिरिट इस जगह पर है। ओ रीमा खरा बात, प्रभु मुझे शुद्ध मन दे, प्रभु मुझे शुद्ध मन दे, मुझे मसीह का मन मुझ में आए, मसीह का मन मुझ में आए। सब प्रे करो इस समय, मसीह का मन मुझ में आए। इन द नेम ऑफ जीसस, thank you.
प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है, बंधन टूट रहे हैं सभी। Holy Spirit, touch Lord, touch Lord, एक एक व्यक्ति को छू ले प्रभु, एक एक व्यक्ति की लाइफ को छू ले प्रभु। परमेश्वर कह रहा है, शैतान तुम्हारे मनों पे अटैक कर रहा है, दुष्ट तुम्हारे मनों को परमेश्वर से दूर कर रहा है। इस समय प्रभु को कहो, मुझ में मसीह का मन है, मुझ में मसीह का मन है। जो सोचते हम खड़े हैं, चौकस रहो, कहीं गिर ना पड़ो। प्रभु कह रहा है, अपने विश्वास की रखवाली करो, अपने उद्धार की रखवाली करो। दुष्ट इसी ताक में है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे छीन ले। दुष्ट इसी ताक में है कि तुम्हारे मन को जीवित परमेश्वर से हटा ले। प्रभु कह रहा है, तुम में अविश्वासी मन ना हो, प्रे करो, प्रभु मेरा विश्वास बना रहे। शैतान चाहता तुम्हारा विश्वास जाता रहे। समय प्रे करो, प्रभु मेरा विश्वास बना रहे, मेरा विश्वास बना रहे। बोलो परमेश्वर, मेरा विश्वास बना रहे। मैं अपनी दौड़ में दौड़ूंगा, विश्वास के साथ दौड़ूंगा, विश्वास की रखवाली करूंगा, विश्वास के लिए अच्छी कुश्ती लड़ूंगा, लेकिन विश्वास को जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर, मैं अपने उद्धार को छीनने नहीं दूंगा किसी को। प्रभु प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं जानता हूं ये थॉट मेरे नहीं है, ये विचार मेरे नहीं है, ये डेवल के। आज मैं अपने मन को यीशु के लहू से धोता हूं। बोलो, मुझ में मसीह का मन है, मुझ में पवित्र मन है, मेरे अंदर पवित्र मन है, मुझ में मसीह का मन है। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो, मैं अंत तक स्थिर रहूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं आपको बता रही हूं, शैतान समय समय पर हमें आत्मिक आलसी बना देता है, हमें समय समय पर डेवल आत्मिक सुस्तपन हमारे अंदर आ जाता है। परमेश्वर कह रहा है, मैं आपको बोल रही हूं, मौसम बदलता है, सीजन बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर एक सा है, वो आज कल और युगानुयुग एक सा है। परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, दिन और रात होते हैं, लेकिन परमेश्वर एक सा है। याद रखें, आपका मन अच्छा और बुरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर एक सा है, वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं पक्षपात करता, वो एक सा है, वो एक सा है। हम बदलते हैं, हम अविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन वो विश्वासियों के बना रहता है। हम विश्वासघात करते हैं, प्रभु को धोखा देते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वासियों के, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी नहीं त्यागता, वो सदा अपनी गोद में उठाए फिरता है हमें। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमें सिर्फ तेरा सहारा है परमेश्वर। ओ खुदा, हमें सिर्फ तेरा सहारा, हम सौंपते हैं परमेश्वर अपने हृदय को प्रभु, अपने हृदय को प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस, एक नया मन दे प्रभु, सबके भीतर एक नया मन दे प्रभु, सबके भीतर एक नया मन दे प्रभु। ओ प्रभु, हर एक के मन को रिफ्रेश कर दे प्रभु, हर के मन को रिफ्रेश कर दे परमेश्वर, और जो चीजें डेविलिश है वो निकल जाए पूरी तरह से, चल जाए पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से। सबके मन को नया कर दे प्रभु, सबके मन को नया कर दे प्रभु। मन में जो पाप के थॉट है, गलत विचार है, लालच है, अविश्वास है, इसी समय वो निकले आपकी जिंदगी से, उसे में निकलने के लिए
लिए बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से, पौलुस विश्वास से कह रहा, अंत तक उसने अपनी अच्छी दौड़ को दौड़ा। आपको यीशु की ओर देखना, अपने विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर देखना। यीशु ने जो काम पिता ने उसे सौंपा उसे पूरा किया, हम भी अपनी दौड़ को पूरा करेंगे जैसे पौलुस ने पूरा किया, हम भी अपनी दौड़ को पूरा करेंगे जैसे यीशु ने अपनी दौड़ को पूरा किया, हम भी करेंगे और परमेश्वर से इनाम को पाएंगे। हम जानते हैं मसीह में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मत चिंता करो, परमेश्वर आपको बना रहा है, वो आपको बना रहा है। शैतान आपके मन में डालता है कि आपका समय खराब हो रहा है, शैतान आपके मन में डालता है, लेकिन आप जानते नहीं। अगर आप जिंदा हैं आज और प्रभु के पास है, ये सबसे बड़ी गवाही है आप। पूरा संसार बिना परमेश्वर के नाश हो रहा है, लेकिन आप परमेश्वर के कारण बच चुके हैं, आप परमेश्वर के कारण उद्धार पा चुके हैं, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। संसार विनाश की ओर जा रहा है और आप जीवन की ओर जा रहे हैं, आप अनंत काल के जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। ओ री बाखा राबा से री मामा मामा रे रेबे केले बे शिकर राबा खराबा से प्रे करो, प्रे करो। परमेश्वर आपको छुए, अभी खुदा की सामर्थ छुए। आप जहां भी हैं भर जाओ आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ एक नई सामर्थ से, एक नई अनॉइंटिंग से। ओ एक ताजा अभिषेक आपके ऊपर उतरे, एक ताजा अभिषेक आपके ऊपर उतरे। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी हर वो चीज जो पुरानी है, जो सड़ी हुई है, वो निकले यीशु मसीह के नाम से। वो विचार जो शैतानी है जाए यीशु मसीह के नाम से, चले यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर एक नई अनॉइंटिंग आपको दे राइट नाउ, अभी 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 अभी। फट जाओ, फट जाओ। प्रभु आपके मनों को रिफ्रेश करे इसी समय, आपके मन नए हो जाए, नई सामर्थ, नई अनॉइंटिंग। रीबा खराबा से हर आत्मिक और शारीरिक थकावट, दर्द, बीमारियां अभी 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 जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करती हूँ, निकालती हूँ आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम से। इसी समय, इसी समय छू ले पवित्र आत्मा, एक एक लाइफ को छू ले, एक एक आत्मा जो इस जगह पर है प्रभु छू ले इन द नेम ऑफ जीसस। फट जाओ, फट जाओ, फट जाओ। ले लो इस अनॉइंटिंग को जो तुम्हें चलने के लिए चाहिए, ले लो इसी समय। हर जुआ टूटे, टूटे। प्रभु के जीवन के जल की नदियां आपके अंदर से निकले, बहे 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 बहे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपकी आंखों को खोले, प्रभु आपके कानों को खोले। टच होली स्पिरिट, पुराना मनस्तित्व आपकी लाइफ से जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुराना नेचर, पुराना आदम आपकी लाइफ से जाता रहे, दूर रहे। इन द नेम ऑफ जीसस मैं उसे डिस्कनेक्ट करती हूँ आपकी लाइफ से, यीशु मसीह के नाम से। रीमा खराबा से रेबे केले में से केले में से, वो नया जन्मा बालक, वो नया जन्मा बालक जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के राज्य में पैदा हुआ, वो आपकी
बढ़ता जाए, आपका नया मनुष्यत्व बढ़ता जाए, आपका नया मनुष्यत्व बढ़ता जाए, वो नया मनुष्यत्व आपकी आत्माओं में पवित्र आत्मा कार्य करे, आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा छुए, अभी आपकी आत्मा सामर्थ्य से भर जाए, आपकी आत्मा सामर्थ्य से भर जाए, आपके प्राण नई ताकत को पाए, आपका प्राण परमेश्वर नई ताकत को पाए, रीमा खाना वास्ते केले बेचे रीबे केले बेची कर रहा खाना वास्तो रोको खोरा मासे अन्य भाषा में प्रे करे प्रे करे प्रे करे प्रे करे रीबे केले बेची कर रहा खाना वास्तो खोरे बेचे रीबे केले बेची कर रहा खाना वास्तो ओ री बाबा बाबा बरे रमा खाना वास्तो खोरे बेचे रीबे केले बेची कर रहा खाना मासे अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने घरानों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर उनको आजाद करे, परमेश्वर उनको छुड़ाए, रीमा खाना वास्ते शैतान का जो भी प्लान आपकी फैमिलियों के लिए वो टूटे यीशु मसीह के नाम से, टूटे यीशु मसीह के नाम से, टूटे यीशु मसीह के नाम से, रीबा खारा बसे, रीमा मामा 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 मारे, रीबो कोरा बसे केले में शिकर ना बसे, रबा खारा मासो कोरे में से, रीबे केले में शिकर रबा खारा बसे, जब उसकी सामर्थ्य जगह पर बह रही है, तक्षोली सुग्रे, तक्षोली सुग्रे Thank you.
करते पे। बोल 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 हाँ क्या कर रही है यहाँ पे क्या करने आई है हाँ क्या करने आई है हाँ नाश करने इसको नाश करने हाँ कौन है तू कौन है दुष्ट 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 है कितने जने हैं कितने जने हो 11 जने हैं कब से रह रहे हो कब से रह रहे हो हाँ कब से रह रहे हो हाँ बोल जल्दी इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस ग्यारह साल से रह रहे हैं और कितने जने रह रहे हैं 11 साल से कितने जने 11 जने रह रहे हैं 11 साल से रह रहे हैं काय के लिए आए थे इसका नाश करने के लिए कहां से आए थे कहां से आए हो परिवार इसके परिवार ने भेजा है कहां से भेजा हाँ बोल बोल जल्दी इसके ससुराल से ससुराल से आया अच्छा हाँ कौन कौन है नाम बोल जल्दी नाम बता कौन कौन है कौन कौन है हाँ 11 जने कौन है बोल जल्दी क्या हो रहा है रो क्यों रही है हाँ क्या हो रहा है तुझे हाँ बोल बोल क्या हो रहा है हाँ हाँ क्या हो रहा है अभी कहाँ आई आज कहाँ आगी दुष्ट कहाँ आया परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के भवन में परमेश्वर दुष्ट का क्या करेगा हाँ क्या करेगा नष्ट कर देगा परमेश्वर दुष्ट को नष्ट करता है आदमी को नहीं करता शैतान को करता है समझ आ रही है आपको हाँ कहाँ है परमेश्वर परमेश्वर कहाँ है तेरे सामने है हाँ मैं बोलती हूँ ना परमेश्वर यहाँ पे घूम रहा है परमेश्वर यहाँ चल रहा है आप विश्वास नहीं करते शैतान करता है विश्वास हमें विश्वास नहीं होता शैतान करता बाइबल में लिखा है दुष्ट आत्माएं भी कांपती हैं डरती हैं और विश्वास करती हैं कि एक परमेश्वर है पर बड़े दुख की बात है मनुष्य ज्यादा दिमागदार हो गया है और वो कहता है कोई रब नहीं है शैतान को पता है परमेश्वर है पर मूर्ख लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर है असी दिमाग से ज्यादा सियाने हैं और कौन है यहाँ पे कौन है यहाँ पे परमेश्वर है और उसके स्वर्गदूत हैं काई के लिए आए हैं काई के लिए आए हैं वो दुनिया को जिंदगी देने आए यीशु हाँ और तेरा क्या करने आए दुष्ट नाश करने के लिए आए 11 साल से क्या क्या नाश किया तूने इसका क्या क्या नाश किया एक बच्चा इसका पागल कर दिया मैंने इसका बच्चा खराब कर दिया हाँ बच्चा नहीं होने दिया खराब कर दिया मैंने इसका और दूसरा मैं जिंदगी नहीं देने दूंगा उसको दूसरे को होने नहीं देगी क्यों बच्चों से तेरे को नफरत है
की जिंदगी नहीं बदल दूंगा मैं, इसकी उसको मार देगा। बच्चे कौन देता है, बच्चे कौन देता है? और तू क्या करता है बच्चों का? नाश करूंगा, नाश करता बच्चों का। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। और नाश कौन करता बच्चों को? शैतान। पेट में मार दिया, दूसरे महीने गिर गया, पांचवें महीने गिर गया, पैदा होते मर गया, ये नाश करना। क्योंकि जो चीजें परमेश्वर की हैं, शैतान को उससे नफरत है। और क्या नाश किया तूने इसका? घर वाले को मैंने काला पीले कर दिया था, मैंने इसके घर वाले को काला पीला कर दिया, मरा नहीं, इसके घर वाले को काला पीलिया कर दिया था, वो मरा नहीं। हाँ, तूने पूरी कोशिश की। हाँ, बीमारी कौन देता है, बीमारी कौन देता है? काला पीलिया किसने किया हस्बैंड को? शैतान। बीमारी शैतान देता है, तुम्हें दुर्बल शैतान करता है, नाश शैतान करता है, इन द नेम ऑफ जीसस। अच्छा कौन है तू? 11 जनों में कौन है सरदार? कौन है तुम्हारा है? हाँ, कौन है सरदार? हाँ, इनसे करके आई मैं। कौन है सरदार? इनके घर से आई मैं। इसके घर से आई है? नहीं, इन 11 का सरदार कौन है? नाम क्या है उसका? हाँ, नाम क्या है बोल। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ, दुष्ट आत्मा 11 साल से रह रही यहां पे, अब पता तुझे यीशु मसीह निकालेगा और ये प्रभु का घर बन जाएगा, ये पवित्र आत्मा का घर बन जाएगा अभी। नहीं, तू नहीं बनने देगी, इतनी ताकत है तेरी। हाँ, हाँ? क्या हो रहा अभी, क्या हो रहा है? हाँ, जल रहा है। क्या हो रहा है? स्लो स्लो, जल रहा है, जल रहा है। कौन जला रहा है? कौन जला रहा है? परमेश्वर जला रहा है तुझे। इन द नेम ऑफ जीसस, शैतान अपने असली रूप में आ, दुष्ट आत्मा अपने असली रूप में आ, अपने असली रूप में आ, चल 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 चल। इन द नेम ऑफ जीसस, बांधती तुझे इसी समय। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट, छोड़ छोड़। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री, बी फ्री। री मा करा बसे, रे बेके ले बेशी करा बसे, मा करा बसो को रे बेसे, री मा करा बसो को रे बेसे। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, दुष्टात्मा मैं तुझे कमांड करती हूँ, निकल इसकी बॉडी से, निकल इसी समय। रीबा खारा बासे, छोड़ 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 छोड़। In the name of Jesus, क्या कर रही है आप? हाँ, क्या कर रही है, क्या करने आई आप? मल्टी नेम ऑफ जीसस, छोड़ इसे, छोड़ 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 छोड़। निकल इसके बॉडी से, इसके पेट से बाहर, इसके पेट से बाहर, इसके पेट से बाहर। आउट, छोड़ दीजिए बॉडी, इसके मुंह से बाहर आ, के मुंह से बाहर आ। इन द नेम ऑफ जीसस, टच होली स्पिरिट, फ्री,
तारीफ करो प्रभु। Mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tera khel khatam. Mighty name of Jesus. Tarif karo Prabhu ki. Tarif karo Prabhu ki. Yeshu jinda hai. यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। आज के बाद दुष्टात्मा इनकी बॉडी में कभी ना लौटे यीशु मसीह के नाम से। उनके वापस आने के रास्तों को मैं बंद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और खुदावंद इनकी आज़ादी की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता जितने भी लोग यहाँ पर हैं प्रभु, एक एक जन को तेरे लहू में कवर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। कोई दुष्ट इन्हें छूने ना पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की सामर्थ बहे आपके जीवन में, परमेश्वर की सामर्थ बहे 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 बहे। टच होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ भर जाओ भर जाओ। रीमा सारा बातें आज से प्रभु का आत्मा आपके द्वारा कार्य करे, सुसमाचार का आत्मा आपके द्वारा कार्य करे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट का अभिषेक आपके ऊपर आए, पिता का अभिषेक आपके ऊपर आए। अभी अभी प्रभु आपको इस्तेमाल करे अपनी महिमा के कामों के लिए, प्रभु अपनी सेवा के लिए आपको इस्तेमाल करे। परमेश्वर आपको बड़ी जिम्मेवारियां सौंपे यीशु मसीह के नाम से। आप उस जिम्मेवारियों को पूरा कर सके जो पिता ने आपको सौंपी है यीशु मसीह के नाम से। जैसे परमेश्वर ने एस्तेर को चुना, एस्तेर को चुना यहूदियों को बचाने के लिए, परमेश्वर ने दानियल को चुना उस रेवलेशन को लिखने के लिए, परमेश्वर ने यूसुफ को चुना उस अकाल के समय में यहूदी वंश को जीवित रहने के लिए। परमेश्वर आपकी बुलाहट को पूरा करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर जिस काम के लिए आपको चुना है वो पूरा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, पूरा हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो कॉलिंग वो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है वो पूरी हो, कंप्लीट हो अपने समय पर यीशु मसीह के नाम से। और आपको खड़े और अड़े रहने का परमेश्वर सामर्थ्य दे। खुदावन की हजूरी में संयम बरतरे। इस समय प्रभु कह रहा है वो अपने समय में सारे कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बने रहे प्रभु की बलवंत हाथ के नीचे। री बाखा राबा से आप केवल बुलाए हुए नहीं लेकिन चुने हुए हैं। मैं आपको बोल रही आप केवल बुलाए हुए नहीं, आप चुने हुए हैं। आपने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना है और आपको नियुक्त किया है कि आप बहुत सारा फल लाए और आपका फल सदा बना रहे। परमेश्वर के अधिकार आपके जीवन में है। प्रभु के प्रेम से भर जाए आपका हृदय, लोगों को नाश होते देख के आपका हृदय तरस से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। जो हृदय यीशु मसीह के पास है वही हृदय आपके पास है। वो प्रेम और तरस जो यीशु के अंदर है वो आपके भीतर आए यीशु मसीह के नाम से। रीबा खराबा से खेरे बेसे रीमा मामा मरे खेले बेशी खराबा से। हो सकता है आपने दानियल की तरह उस खाने को ठुकरा दिया हो, आपने दानियल की तरह वही समझौता ना किया हो, आपने दुख उठाया हो, आपने जान देने तक विश्वासी रहे हो। चिंता मत कीजिए, परमेश्वर शद्रक मेशक और अबदनगो के पास आग में उतर आया था। तैयार हो जाओ, परमेश्वर उस आग में आपके साथ है आपको निकालने के लिए। रीमा खराबा से परमेश्वर इस आग में आपके साथ है
परमेश्वर इस आग में आपके साथ है यीशु मसीह के नाम से, वो आपको नाश नहीं होने देगा। आप किसी भी पीड़ा से, किसी भी परिस्थिति से क्यों नहीं गुजर रहे, किसी भी आग से होके क्यों नहीं चल रहे, परमेश्वर आपको नाश नहीं होने देगा। उस आग में परमेश्वर खुद उतर आएगा आपके साथ, आपके साथ आपका एक बाल भी ना झुलसेगा यीशु मसीह के नाम से। जिन परिस्थितियों को देख के आप डर रहे हैं और घबरा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ एक बाल भी ना झुलसेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपको इस आग से सुरक्षित निकालेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। रीमा खराबा से खेरे में से हर डर आपकी जिंदगियों से चला जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा है, सर्वोत्तम रखा है। रीबा खराबासो कोरे में से, रीमा खराबासो कोरे में से। जितने लोग ऑनलाइन कनेक्ट हैं, इसी समय मैं कमांड करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये सामर्थ्य जो इस जगह पर है, वो परमेश्वर जो इस जगह पर है, आपको छुए, आपको छुए, आपको छुए यीशु मसीह के नाम से। आपकी परिस्थितियां चेंज हो यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी का आत्मा आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। हर दुष्ट आत्माएं, हर एंगर का आत्मा, डर का आत्मा आपको छोड़ के जाए बाय फायर, जाए बाय फायर, जाए बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रीबा खराबा से केरे में से, रीबे केले में शिकरबा खराबा सो खोरे में से। परमेश्वर एक बहन को छू रहा है, ओ रीमा मामा रे रेबे केले। एक नेहा नाम की बहन को प्रभु छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। एक शोभा नाम की बहन को परमेश्वर टच कर रहा है इस समय। एक सुरेश नाम के भाई को परमेश्वर छू रहा है अभी। रीबे केले में शिकरबा से आपका बंद पड़ा काम शुरू होगा नया यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर कह रहा है मत घबराओ, प्रभु आपके रास्ते खोलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये डर यही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं सचमुच, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, विश्वास रख, तेरे लिए रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। ओ नई जॉब्स को ले ले यीशु मसीह के नाम से। नए परमेश्वर आपके फाइनेंस को खोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। माखराबा सुको रेबे से, रेबे के आपके आधे शरीर में पेन है, प्रभु आपको हील कर रहा है अभी अभी अभी। आपकी आंखों को छू रहा, आपकी आंखों से पानी बह रहा है, एलर्जी है, प्रभु चंगा कर रहा है आप एक बहन को यीशु के नाम से। रीमा खराबा से एक भाई है जिसके माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, बोझ है, परमेश्वर आपको डिलीवर कर रहा है अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक सुसाइडल स्पिरिट आपके घरों से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो लोग संगति में परमेश्वर की हजूरी में कम हो रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ ये गंदी आत्मा, अविश्वास का आत्मा आपको छोड़ के जाए और प्रभु आपको बड़ा विश्वास दे, बड़ा विश्वास दे, बड़ा विश्वास दे। इसी समय चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, भरपूरी को ले लो। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मां खराबा से थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर आपसे सपनों में बात करेगा, परमेश्वर आज की रात आपसे सपनों में बात करेगा, अपने दर्शनों के द्वारा बात करेगा। परमेश्वर सचमुच नए रेवलेशन आपको देगा, सपनों में दर्शनों में पिता आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपको सचमुच गाइड करेगा यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रीबा खराबा से टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाने जा रहा है। मैं आपको सचमुच बोल रही हूं, आपकी डील्स होने जा रही हैं, आपका बिजनेस बढ़ने जा रहा है, आपका फाइनेंस खुलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हर रुके हुए काम होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ रीबा खराबा से थैंक यू होली स्पिरिट। तारीफ करें पिता परमेश्वर की, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। यदि किसी की कोई भी गवाही है, अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। यदि कोई भी टेस्टिमनी आपकी है, आप गवाहियों को देना ना भूलें। रीबा खराबा से
थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें अपने हाथों को उठा के। किसी की कोई भी टेस्ट बनी है, आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद करें प्रभु का, होली स्पिरिट, थैंक यू प्रभु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद तेरी सामर्थ के लिए, तेरे प्रेम के लिए, इस जीवन के लिए प्रभु। तेरा जीवन आज हमारे भीतर है, थैंक यू जीसस, धन्यवाद एक एक जन को छूने के लिए प्रभु, एक एक जीवन को बदलने के लिए, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया। जब हम लोग मसीह में आते हैं, बाइबल में लिखा है जब तुम विश्वास करते हो और बपतिस्मा लेते हो तुम्हारा नया जन्म हो जाता है और हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। हमारा जो पुराना स्वभाव होता है, पुरानी आदतें होती हैं, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। जब वो चीजें चेंज हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना मनुष्य मर गया, वो हमारे पीछे होता है। आप जानते हैं वो हमारे पीछे होता है, हमारा पुराना स्वभाव, क्रोध वाला स्वभाव, लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव, जो भी पुरानी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं वो बदल जाती है पूरी तरह से। हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन जो पुराना मनुष्यत्व है वो पीछे होता है, वो जाता नहीं हमें छोड़ के, लेकिन वो हमेशा हमारे पीछा करता है, हमारे पीछे होता है। लेकिन पवित्र आत्मा की जो आग हमारे ऊपर होती है वो उसे छूने नहीं देती हमें, वो आने नहीं देती आपके भीतर, वो छूने नहीं देती नए मनुष्य को, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग उसे अलग रखती है। लेकिन ध्यान रखें, अगर वो आग कम होती है तो वो पुराना मनुष्यत्व कोशिश करता है दोबारा से वही मनुष्य बनने के लिए। समझ आ रही है आपको? वो कोशिश करता है कि आप पहले जैसे बन जाए, जैसे आप पहले क्रोधी थे, नशे करते थे, व्यभिचार करते थे, पाप करते थे, आप वैसे बन जाए। वो पूरी पूरा जोर लगाता है, लेकिन पवित्र आत्मा की आग उसको बढ़ने नहीं देती आगे। समझ आ रही है आपको? इसीलिए पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है, प्रभु की आग हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, ताकि वो पुराना मनुष्यत्व जो आदम के जमाने से हमारे भीतर था वो हम पे हावी ना हो सके। हालेलुया। इसीलिए जब लोग संगति कम कर देते हैं, प्रार्थना कम कर देते हैं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं एक व्यक्ति जब परमेश्वर के साथ संगति कम करता है तो उसका जो नेचर है वो पुराना जैसा होने लगता है, पुराने काम, पुरानी चीजें उसकी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हमें जो नया मनुष्यत्व में उसमें बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रार्थना, उपवास, वचन, संगति, हमेशा सुसमाचार करना, नए मनुष्यत्व को बढ़ाना बहुत जरूरी है। समझ आ रही है? बोलो मैं नया हो चुका हूं, बोलो मैं नया जन्म पाया हुआ हूं, बोलो मेरा नया मनुष्यत्व बढ़ेगा नए स्वभाव में। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। हम वर्शिप करेंगे उसके अंतिम प्रार्थना में। जीसस पास्टर जी, बहन का नाम ऋतु है, ये बता रहे हैं कि बचपन से ही जैसे ये सिर धोते थे, सिर धोने के बाद इनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और पास्टर जी ये बता रहे हैं कि पिछले 3 महीने से इनके पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। आज जब ये प्रार्थना में आए, इनका सारा सिर का दर्द और पेट का दर्द अब दूर हो चुका है, अभी कोई पेन नहीं है। तारीफ करो प्रभु की, तारीफ करो, तारीफ करो, प्रभु भला है। सबको जय मसीह की।
मम्मा मेरा 3 साल से पेमेंट बॉन्ड हो रखा था जो क्लेम का था, तो मैंने जब न्यू ईयर शुरू हुआ तो 3 बार एप्लीकेशन लगाया कि मेरे फ्लैट की पेमेंट मैंने क्लियर करनी थी, क्योंकि मैं 3 साल से वेट कर रही थी। तो 3 बार लगाया तो COVID-19 की वजह से 3 बार मेरा वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि डिले। फिर आप एक दिन प्रार्थना कर रहे थे तो फिर मैंने फाइल आपके पल्ले को छुआ के नेक्स्ट डे जाके बैंक में दोबारा से लगाई, तो फिर मेरे को 7वें दिन अप्रूवल दे दी उन्होंने। तो अब मेरी रजिस्ट्री भी मेरे घर आ गई है 2 मार्च को, और मुझे NOC भी मिल गया है, मेरा फ्लैट परमिशन ने फ्री कर दिया। 3 साल से काम अटका हुआ था, मैंने बताया था ना कि जो काम अड़े हुए हैं ये अब होंगे। सालों से एक रुका हुआ काम जो हो नहीं रहा था विश्वास के द्वारा, वो कहते विश्वास के द्वारा मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाओ। ये बहन ने विश्वास के द्वारा, इसके 7 केस थे, आप जानते हो, इसने विश्वास से उस फाइल को कपड़े से छू लिया, उसके 7ों केस एक ही दिन में बंद हुए। और उसी विश्वास से इसने अपनी दूसरी गवाही को लिया, और आज वो 3 साल से रुका हुआ पैसा आया और पूरी तरह से वो कर्जे से आजाद हुई। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो, तारीफ करो, हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है। सारी महिमा यीशु मसीह को देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको मेरे जीवन में ठहराया है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तारीफ करे, धन्यवाद करे, सचमुच प्रभु भला है। पास्टर जी, ये बहन भावनी है, ये बता रहे हैं कि कल ये जिम का सामान उठा रहे थे, अचानक इसकी लेफ्ट बाजू की नस ऊपर चढ़ गई, लेकिन आज जैसे ही प्रार्थना हुई बोल रही है कि बाजू बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है। तारीफ करो, सचमुच हम प्रभु के पास आते हैं बोझों को लेके, कुछ शारीरिक बीमारियां, कुछ मानसिक चीजों को, बोझों को लेके आते हैं। कई बार मानसिक रूप से थके होते हैं, बोझ में होते हैं, परमेश्वर हमें शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारियों से, बोझ से आजाद करता है। हालेलुया, वो हमारे सवालों के उत्तर देता है, हमसे बात करता है। धन्यवाद करें परमेश्वर का। आज परमेश्वर ने बहुत सारे काम चंगेरा में भी किए, और बहुत अच्छी मीटिंग परमेश्वर ने उस जगह पर, प्रभु की बहुत सामर्थ्य काम किया, लोगों ने बहुत हर तरह की डिलीवरेंस को उस जगह पर पाया। और सचमुच हम धन्यवाद करते हैं कि सुबह से परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है हमारे बीच में, लोगों को छुड़ा रहा है, चंगा कर रहा है, और लोग आजाद हो रहे हैं शैतान के चुंगल से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि शैतान के कामों को आपके जीवन में नाश करे। तारीफ करो परमेश्वर की। पास्टर जी, इस बहन का नाम किरण है, ये बता रहे हैं कि 2 साल पहले इन्होंने अपना प्लॉट फाइनेंस करवाया था, और जो पेपर थे मकान के वो किसी को गिरवी रखे हुए थे, तो वो रजिस्ट्री दे नहीं रहा था, लेकिन इनको आपकी बात याद आई, आपने कहा था कि इस साल आपके रुके हुए काम बनने जा रहे हैं, तो इन्होंने बड़े विश्वास के साथ उस बात को रिसीव किया, और आज ये गवाही के साथ खड़ी है कि वो प्लॉट बिल्कुल पूरी रीति से फाइनेंसर से फ्री हो चुका है 2 साल बाद। यस मम्मा, 2 साल से बिल्कुल ही प्लॉट में दिक्कत आ रही थी कि 1 रुपए का भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा था कि हम उस अमाउंट को इकट्ठा करके दे सके, तो वो जो 1.5 लाख का अमाउंट था वो बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख पहुंच चुका था, और ना मूल जा रहा था ना ब्याज जा रहा था, और अब मतलब जो जिनके पास फाइनेंस में वो पड़ा हुआ था, तो वो कहते कि अब इस रजिस्ट्री को हम अपने नाम करवा लेंगे, पर मुझे भरोसा था प्रभु पे। मैं यहाँ आई थी न्यू ईयर वाले टाइम पे, और प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से पूरे पेमेंट का अरेंजमेंट कराया, और 1,70,000 रुपये में सारा काम खत्म हो गया, और प्लॉट आपका बच गया। हालेलुया, तारीफ करे परमेश्वर की। सचमुच अगर आप परमेश्वर के वर्ड पे विश्वास करें, जो वचन प्रभु अपने सेवकों के द्वारा, अपने अगुओं के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा जो मुंह से निकालता है वो पूरे होते हैं अगर आप उसे पकड़ लें। हालेलुया, पूरी बाइबल आप पढ़ लें। परमेश्वर हमेशा अपने दासों के द्वारा बात करता था, लोगों की लाइफ में, और लोग डिलीवर होते थे, लोग आजाद होते थे। हालेलुया,
और इस साल का जो सचमुच जो मैं फास्टिंग में प्रभु ने कहा, बहुत रुके हुए काम लोगों के जो सालों से रुके वो होंगे, और हम इतनी सारी गवाहियां सुन रहे हैं, इतनी सारी गवाहियां, कोई 6 साल से ये केस अड़ा हुआ था, कोई 6 साल से ये काम अड़ा हुआ था, ये पेमेंट सड़ी हुई थी, परमेश्वर ने सचमुच खोल दिया है सब कुछ, सब कुछ खोल दिया है। इसीलिए प्रभु के वचन के ऊपर, शब्दों के ऊपर उनको पकड़े रखो, उनको क्लेम करो, ऐसा बोला गया था इस साल। परमेश्वर प्रभु तेरे मुंह से ये शब्द निकला था, मैं उसको थामता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ये होगा। जैसे आप क्लेम करेंगे चीज़ों को, वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें इस समय, 2 मिनट अपने लिए प्रार्थना करें, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके काम रुके हुए हैं, और जो भी चाहते हो आपकी वो चीज़ें खुलें, प्रभु को बोलो एक बार, प्रभु से मांगो एक बार। 2 मिनट उन बातों के लिए प्रार्थना करो जिनको तुम देखना चाहते हो होते हुए, क्योंकि अगर मांगा नहीं तो मिलेगा नहीं। प्रे करो अपनी आंखों को बंद करके, 2 मिनट प्रे करो, प्रे करो। रीबा खराबा से रीमा खराबा सुखो रेबे से प्रे करो, प्रे करो, मांगो मांगो मांगो, मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो, जो मांगना चाहते हो मांगो परमेश्वर से, मांगो इसी समय, मांगो मांगो, अपने मुंह खोलो, ये समय आपका है। प्रे करो, अगर आपने आज प्रार्थना की है उसकी गवाही भी आप ही देंगे। री बेखे रे बेसे रमा खराबा सुखो रे बेसे रीबा खालामा सुखो रे बेसे। जैसे जैसे आप प्रे करेंगे आपकी लाइफ में चेंज, डिलीवरेंस, प्रार्थना का उत्तर आना शुरू हो रहा है। रीमा खराबा से री बेखे रे बेसे रबा खारा मासो रे बेखेले में शिखा रबा से रबा खाला मासो को रे बेसे री बेखे रे बेसे। जिनको आप बदलने हुए देखना चाहते हो वो बदलेंगे जब आप प्रेयर करेंगे। रीमा खारा मासो को रे बेसे रबा खाला मासो को रे बेसे। प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो। सारा जलाल सारी महिमा यीशु हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तारीफ करो प्रभु दलाई सज्जन। सचमुच प्रभु की हजूरी अपने विच मौजूद है, ऑनर करते हैं उस हजूरी का। हालेलुया। कितने लोग ने महसूस किया प्रभु की हजूरी, आमीन। तारीफ करो दे कमां दे लई। टेंथ नू सिस्टर आराधना का बर्थडे सी, और सचमुच मैं अचानक अगे आओ माइक दोनों नू माइक मैन। हालेलुया। टेंथ नू सिस्टर आराधना का बर्थडे सी, ते सचमुच फेसबुक ते बहुत लोगों के बहुत विशेज आई सी, बहुत लव आया सी, बहुत वंडरफुल तुहाडे विशेज जी जो तुसी कीते सी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे प्यार दिया है मेरे जन्मदिन पर, और जो आपने मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ।
हालेलुया। सचमुच ये बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत जल्द ये बोर्डिंग स्कूल इन्होंने वापस भी जाना है, तो मैं चाहता हूँ आप इनको अपनी प्रेयर्स में शामिल रखो ताकि प्रभु और बुद्धि और समझ और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। एक मिनट लो, ब्रदर अनुग्रह भी आगे आ जाएंगे, अपने हाथों को बढ़ाओ आगे और एक मिनट के लिए प्रेयर करो। सिस्टर आदम उनका बर्थडे और दोनों के लिए आप प्रेयर करो। एक मिनट लो, रबा खाला माश अपनी आँखें बंद। अपनी आँखें बंद करो, सब जन अपने हाथों उठाओ। हो रबा खाला माश खीरे बी 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 सा रबा बाबा लमा खाला माश। एक मिनट लो, प्रे करो अपने मन दे विच, थैंक्स करते हुए इन्हें जीवन दे लई और प्रे करो। प्रभु रबा खाला माशे प्रभु, और बुद्धि और समझ प्रभु, और बह में चला प्रभु, और अपनी महिमा को इन जीवनों के द्वारा प्रकट कर। रबा खाला माशे, वी गिव यू ग्लोरी ऑनर प्रेज। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। अपनी अखा बंद करो सब जन, अपन लास्ट प्रे कर दिया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करता हूँ आज के मीटिंग के लिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आज लोगों ने चंगाई पाई है परमेश्वर, मैं इस पूरी चंगाई को आपके लोगों से पाता हूँ। थैंक यू यस लॉर्ड, धन्यवाद करता हूँ ईश्वर, जैसे परमेश्वर आपने मम्मा को परमेश्वर इस कलीसिया का अगुआ खड़ा किया परमेश्वर, उसे जब भी परमेश्वर परमेश्वर मम्मा से अनॉइंटिंग फ्लो करे परमेश्वर, जो भी परमेश्वर आज परमेश्वर आपने परमेश्वर लोगों के जीवन में बीज बोया परमेश्वर, शैतान किसी भी तरह से परमेश्वर इस बीज को आमेन। पिता आपका प्रेम, यीशु आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता अब से लेकर आपके आने तक आपके धर्मी जनों के साथ बनी रहे। आमेन आमेन आमेन। तारीफ करो सब जन प्रभु दलाई। हालेलुया। सच में तुसी प्रेयर दे विच रखना है फैमिली नू, अपने अगुवां नू और कलीसिया की सारी टीम नू, सारे वॉलंटियर्स नू, ताकि प्रभु इसी रीति नाल काम करता रहे और प्रभु का काम जगह जगह तक पहुंचे और लोगों की लाइफ च उतार आवे। हालेलुया। सारा जलाल सारी महिमा पा यीशु नू देने। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।